हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड सरकारी कंपनी है, 70 साल से हवाई जहाज बना रही है, तो राफेल के मामले में कॉन्ट्रैक्ट सरकारी कंपनी को मिलना चाहिए, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड कंपनी को मिलना चाहिए। आखिर क्यों मोदी ने राफेल जहाज का कॉन्ट्रैक्ट 70 साल से हवाई जहाज बनाने वाली सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल को ना देते हुए प्राइवेट कंपनियों को दिया, आखिर क्यों? यह जानने के लिए आपको इन वीडियोस पर ध्यान देना जरूरी है। जैगुआर हवाई जहाज। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। इंडियन एयरलाइंस का एक जैगुआर फाइटर प्लेन लड़ाकू विमान क्रैश हो गया। मिग हवाई जहाज, जहां जोधपुर में वायुसेना का फाइटर प्लेन MiG-27 हादसे का शिकार हो गया। सुखोई हवाई जहाज। खबर आ रही है महाराष्ट्र के नासिक में वायुसेना का सुखोई विमान क्रैश हो गया है। ट्रेनिंग के दौरान फाइटर प्लेन सुखोई क्रैश हुआ। हादसे के वक्त विमान में दो पायलट्स भी सवार थे। मिराज हवाई जहाज बनाया है। मध्य प्रदेश के भिंड में आज एक मिराज 2000 दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हालांकि दोनों पायलट पैराशूट कर गए, सुरक्षित बच गए। दरअसल पिछले 15 सालों में HAL ने सुखोई, मिग, मिराज और जैगुआर जैसे फाइटर जेट बनाए हैं और इनमें से कुल 108 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं, जिसमें 48 मिग, 19 सुखोई और 11 जैगुआर विमान थे। प्लेन क्रैश हो गए कोई बात नहीं, लेकिन आप यह सोचिए पिछले 15 सालों में भारत ने कितने होनहार वायु सैनिकों को खोया है। यह सब किसकी वजह से हुआ? HAL की वजह से। और हम इसका पूरा दोष HAL को नहीं देंगे, क्योंकि HAL 2009 से कहता आ रहा है कि हमें अपग्रेडेशन की जरूरत है, लेकिन कांग्रेस को लूट से फुर्सत मिलती तो कुछ अपग्रेड कर पाती। HAL का हाल इतना बुरा था दोस्तों कि द सॉल्ट ने हिंदुस्तान से राफेल डील करने के लिए मना ही कर दिया था। उनका कहना था कि अगर HAL विमान बनाएगी तो हम राफेल विमान की गारंटी नहीं लेते हैं, और इसके बाद कांग्रेस ने भी HAL की गारंटी लेने से मना कर दिया था, और ये बात खुद कांग्रेस पार्टी के लोगों ने कही। लेकिन यहाँ केवल HAL की क्वालिटी ही इशू नहीं थी, बल्कि HAL का डिलीवरी शेड्यूल भी था, जिसमें भी कुछ खास रिकॉर्ड नहीं था। और इसका जीता जागता सबूत है भारतीय वायुसेना प्रमुख मार्शल बीरेंद्र सिंह धनोआ का यह बयान, जिसमें उन्होंने साफ साफ बताया है कि HAL के हाथ में अभी भी कितने सारे अधूरे प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हैं। There has been a slight lag in the delivery schedule of HAL for contracts that we have already executed to them. Sukhoi 30 we are 3 years behind. That is 25 are yet to be delivered. Jaguar Darin 3 we are 6 years behind. In LCA that is IOC completion we are 5 years behind. In Mirage 2000 upgrade we are 2 years behind. And HC-240 we are 5 years behind. I mean this is the status as we speak. जिसकी सुत ना सरकार ने ली और ना ही HAL ने। राहुल गांधी अपनी हर रैली में भारत सरकार से HAL पर अलग अलग सवाल करते हैं। एक सवाल इस आम नागरिक का आपसे। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल यानी HAL एक सरकारी कंपनी है जिसको चलाने की जिम्मेदारी सरकार की थी, तो आप बताइए वो क्या कारण थे कि आपकी सरकार ने HAL अपग्रेड जो 2011 में होना चाहिए था वो मोदी सरकार के आने के बाद 2017 में शुरू हुआ।